हर बात इस औरत को कहनी पड़ती, ये मंगवा दो वो मंगवा दो, खुद से तो कुछ ख्याल नहीं करती। पान के पत्ते भी देखो। दादी 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 दादी, ध्यान से क्या हो रहा है? दादी मैंने आपकी दवाइयों की लिस्ट बनाती है, अब्बू को दे दूंगी। जीती रहो बेटा। सुरैया सुरैया कहाँ रह गई, हर वक्त सोती रहती है तेरी माँ। जी अम्मा। इधर आओ। जी देखो मेरी छालियाँ कितनी कम हो गई है। ओ अम्मा भूल गई, अभी मंगा लेती हूँ। छालियाँ भी लिख दो। हाँ लिख दो। और तुम्हारी ऐमान और बक्कार से बात हुई थी? नहीं। मेरी बात हुई थी, सबको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। ऐमान शादी के बाद कितनी बदल गई है ना, उससे बात करो तो एहसास होता है कि हम उसके लिए कितने अजनबी हैं। अजनबी तो हो गए हम उसके लिए। बेटी अपने घर में खुश है, और क्या चाहिए तुम लोगों को? लेकिन दादी मुझे नहीं लगता कि वो अपने घर में खुश है। मैं ये लिस्ट शाम को अब्बू को दे दूंगी। गुड्डी बाजी गुड्डी बाजी गुड्डी बाजी। सुना आपने अम्मा, क्या कह रही है ये? ऐमन इसे खुश नहीं लगती अपने घर में। तुम तो हर बात पकड़ लिया करो, मुझे जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ना। अम्मा वो हमसे खफा है, न जाने इस बात को हम सब क्यों नहीं समझते। जाओ मेरे लिए रोटी डालो। अब खाना क्या बनाती है? कल क्या सब्जी बनाई थी? सड़ी पुसी हुई। खाने पकाने पर ध्यान दिया करो, सोने के अलावा और भी काम होते हैं कोई। जाओ नमाज के बाद खाना खाऊंगी मैं। जी अच्छा। दो साल गुजरने को है, अभी भी मुझे इल्जाम दे रहे हैं कि मैंने ज्यादती कर दी। तुम्हारी जब भी अमन से बात हो उससे कहना कि वो मुझसे बात जरूर करे। पता नहीं क्यों लेकिन मैंने जब भी उसे कॉल मिलाई उसने यही कहकर फोन काट दिया कि आप मुझसे बात मत कीजिए। पता नहीं मैं ये बात समझने से ही कासिम हूँ कि क्या नाराजगी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तो बात कर लेगी।